स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैंने आपको लास्ट वीडियो समरी का दिया था, आज मैं आपको जो वीडियो देने जा रहा हूं वो उसके क्वेश्चंस आंसर जो होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जो ये नोट्स जो मैंने दिए हैं इसमें बुक का नाम जल्दी में ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी हो गया है, जबकि इसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट और लेसन का नाम है ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो बुक में भी दिए हैं, बुक के बीच में ये चार क्वेश्चन आंसर दिए थे, पहले उनका आप देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या नरेटर इतना अमीर था जितना कि मिस्ट्रेस थी? तो अंडरस्टूड बात है कि नरेटर इतना अमीर नहीं था, उसका आंसर देखिए आप, नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। ट्रिकी की मिस्ट्रेस के हिसाब से नरेटर अमीर नहीं था। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट ट्रिकी मिस्ट्रेस इज वेरी रिच एंड लीड्स अ लग्जरियस लाइफ। द ऑथर डिस्क्राइब द काइंड ऑफ फूड शी फीड्स ट्रिकी, डिफरेंट एसेसरीज एंड क्लोथ शी कीप्स फॉर ट्रिकी, द सर्वेंट इन हर हाउस एक्सेट्रा। वो इतनी अमीर थी कि वो ट्रिकी को यानी डॉग को अलग अलग तरह के खाने देती थी, उसके लिए एक नौकर भी था, उसकी बहुत लग्जरियस लाइफ थी, राइट? दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो डॉग के साथ कैसा व्यवहार करता था, बिहेव कैसा करता था, कौन? डॉक्टर। यहाँ पर जवाब देखिए, द डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर टू डेज, स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स इन हिज सराउंडिंग्स एंड बिगेन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी। ऑन द थर्ड डे द डॉक्टर सॉ ट्रिकी लिकिंग द एम्प्टी सुपर बॉल्स ऑफ द वाटर डॉग्स, नेक्स्ट डे अ सेपरेट बॉल वॉज केप्ट फॉर इट एंड द अदर एंड द डॉक्टर वॉज प्लीज टू नोट दैट ट्रिकी हैड रन टू ईट इट्स फूड विद enthusiasm enthusiasm फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट्स प्रोग्रेस वॉज रैपिड, इट डिडंट रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ, रिकवर्ड क्वाइट वेल एट द एंड। यहाँ पर डॉक्टर यानी नरेटर साहब कहते हैं कि उसको हम खाने के बजाय बहुत ही ज़्यादा पानी देते थे, हल्के हल्के डॉग ट्रिकी रिकवर होता चला गया और उसने इंटरेस्ट शो किया, यानी कि जब वो रिकवर हुआ थोड़ा सा वो कूदने लगा और इधर उधर कुत्तों में और दूसरे डॉग्स में भागने लगा, खेलने लगा। तीसरे दिन क्या होता है कि ट्रिकी को नरेटर देखता है कि वो एक को कटोरे को चाट रहा है और चाटेगा जब ही जब उसको थोड़ी भूख लगी होगी, उनको बहुत खुशी हुई कि इसको भूख लगी है और ये चाट रहा है। उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक अलग से बाउल रखा और उसके अंदर कुछ अच्छा खाना रख दिया जिससे कि वो खा सके। आगे देखिए क्या कहते हैं, उसको ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, उसको अगर आज़ादी मिल जाती तो बहुत अच्छा रिकवर हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज टेम्प्टेड इन कीप ट्रिकी ऑन एज ए ट्रीटमेंट गैस एज ए परमानेंट गैस। डॉक्टर साहब यानी नरेटर के लिए बात की जा रही है कि वो उसको परमानेंट गैस क्यों बनाना चाह रहा था, यानी डॉक्टर। ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जवाब देखिए, ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पेम्फ्रे वॉज ए वेरी रिच लेडी, शी यूज टू सेंड एग्स वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी विच वी आर ऑल सर्वर्ड बाय मिस्टर हैरियट, लेटिंग हिम गो would mean no more eggs and drinks. Thus, Mr. Harriet was tempted to keep him on as a permanent guest. ट्रिकी की मालकन जो थी, चूँकि वो बहुत अमीर थी तो वो उसको बहुत ही अच्छा खाना देती थी और उसके लिए अंडे भेजा करती थी,
साथ में वाइन भी होती थी, ब्रांडी भी होती थी, और वो सारा टर्की अकेला नहीं खा सकता था, उसमें डॉक्टर और उनके साथ में जो स्टाफ था वो भी शेयर करते थे। वो नहीं चाहते थे कि टर्की हमारे पास से चला जाए, वो चाहते थे वो परमानेंट गेस्ट, एज ए गेस्ट हमारे पास रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी जिसमें सब लोग शेयर करते थे। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी? पम्फ्री क्यों ऐसा सोचती थी कि अगर मेरा डॉग यानी टर्की अच्छा हो जाता है तो वो एक सर्जरी के ऊपर जीत होगी, ऐसा क्यों सोचती थी? चलिए जवाब कहते हैं, मिसेज पम्फ्री थॉट दैट द रिकवरी ऑफ द डॉग इज अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी बिकॉज टर्की हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द स्ट्रॉन्ग मसल एनिमल। आफ्टर सीइंग हर द डॉग जंप्ड ऑन हर लैप एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस। सो मिसेज पम्फ्री कन्फर्म दैट दिस इज ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस टुवर्ड्स द डॉक्टर। वो ऐसा सोचती थी कि अगर वो ठीक हो जाएगा तो ये एक विक्ट्री होगी, एक ट्रायंफ होगी सर्जरी के ऊपर, क्योंकि टर्की हल्के हल्के रिकवर कर रहा था और उसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती चली जा रही थी। आफ्टर सीइंग हर कुछ टाइम के बाद जब टर्की को पम्फ्री ने देखा तो वो जो डॉग था ने टर्की वो इतना एक्साइटेड हो गया कि वो कूद कर मिसेस पम्फ्री की गोद में आ गया, और जब गोद में आया तो उनके उसने उनके मुंह को चाटना शुरू कर दिया। पम्फ्री तब यहाँ पर यकीन में आ गई कि मेरा डॉग यानी टर्की अच्छा होने लगा है, और ये जो अच्छा हो रहा है ये ट्रायंफ यानी विक्ट्री है सर्जरी के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो बुक का क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक, किस तरह के आप विचार रखते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं कि नरेटर एक वेटरनरी सर्जन है? क्या आपको ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही होशियारी से, चालाकी के साथ में, एक अच्छे टैक्ट के साथ में उसका इलाज किया है? चलिए, द नरेटर अ वेटरनरी डॉक्टर, ये लंबा थोड़ा सा है और इसका जवाब मैंने दिया है, मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा। देखिए, द नरेटर अ वेटरनरी डॉक्टर इज वेरी कंपैशनेट एंड एन ऑनेस्ट मैन एज ही डजंट अननेसेसरली ऑपरेट अपॉन टर्की। बहुत ईमानदार डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, वो फालतू के किसी का इलाज नहीं करता है, लेकिन जिसका इलाज करता है बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है। ही गोज आउट ऑफ द वे टू गाइड मिसेज पम्फ्री दैट शी शुड स्टार्ट कीपिंग अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन टर्कीज डाइट एंड हिज एक्सरसाइज शेड्यूल। वो पम्फ्री को एडवाइज करता है, स्ट्रिक्टली एडवाइज करता है। कौन? डॉक्टर। वो एडवाइस करता है कि टर्की के खाने पीने पर ध्यान रखिए, खाने के साथ साथ आप उसको अच्छी एक्सरसाइज भी कराइए और एक शेड्यूल के साथ कराइए। ही इज टैक्टफुल, बहुत होशियार है, बिकॉज ही नोज हाउ टू गेट, उसको ये पता है किसको कैसे हैंडल करना चाहिए टर्की टू द हॉस्पिटल, एंड हिज कॉमन सेंस कैन बी सीन बाय द सिंपल फैक्ट दैट ही जस्ट चेंज द ईटिंग एंड एक्सरसाइज शेड्यूल ऑफ टर्की which helped him recover from his problem। टर्की हल्के हल्के अच्छा हो जाता है और वो अपनी होशियारी से टर्की का इलाज करता है। जब वो अच्छा होता है तो वो थोड़ा सा अपना चलना फिरने में भी मदद करता है, कोशिश करता है। He didn't unnecessarily put him on medicine, और फालतू की उसको वो दवाइयाँ डॉक्टर नहीं देता है। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक टर्की वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आपको ऐसा लगता है कि टर्की घर जाने में बहुत खुश था? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्या लगता है कि अब वो क्या करेगा, कैसा होगा उसके साथ में माहौल? यस, टर्की वाज एज हैप्पी टू गो होम एज मच एज ही वाज स्टेइंग इन द सर्जरी। वो
घर जाने के लिए एक्साइटेड था और वो सर्जरी में, यानी कि यहाँ सर्जरी का मतलब है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी वो ऐसे ही कंफर्टेबल था जैसे वो घर पर था। ही वॉज हैप्पी स्टेइंग इन द सर्जरी, और वो हॉस्पिटल में रुकने के लिए भी इंटरेस्टेड था, खुश था वो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिकॉज ही गॉट मेनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसके वहाँ पर बहुत दोस्त बन गए थे। विच ही डिडंट हैव टू होम, और वो नहीं चाहते थे कि वो घर पर जाए। एंड वॉज हैप्पी टू गो बैक होम बिकॉज ही डिडंट हैव हीज लेविश लाइफ स्टाइल एट द सर्जरी। अब वो आगे कहते हैं कि वो घर अगर चला जाएगा तो उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसको घर चला जाना चाहिए। हीज एक्साइटमेंट टू गो बैक होम कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट एज सून एज ही सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब उसने अपने मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन को देखा, तो उनके पास कूद कर चला गया था। ही जम्प बैक इन टू द कार, वो कूद कर चला गया था। इससे पता लगता है कि वो वाकई में यहाँ सर्जरी से बेहतर फील कर रहा था कि मैं घर चला जाऊँ, यानी कि हॉस्पिटल से बेहतर। ही जम्प बैक इन टू द कार एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, वो मालकिन को देख कर फौरन उनके पास कूद गया, उनकी गोद में कूद गया और उनके फेस को चाटने लगा, राइट। एंड रोमिंग अराउंड इन एक्साइटमेंट, और अपने एक्साइटमेंट को वो एक तरह से शो करने लगा। आई थिंक हाउ विल बी फाइन एट द होम एज वेल बिकॉज अर्लियर मिसेज पेम्फ्रेट डिडंट टेक मिस्टर हैरियट एडवाइस सीरियसली विच लेड टू ट्रिकी हॉस्पिटलाइजेशन, और जब वो चाटने लगा तो पेम्फ्रे सोचने लगी मिसेज पेम्फ्रे कि अगर मैंने पहले सब बातें डॉक्टर की मान ली होती और सीरियसली उसको मैं खिलाने पिलाने का ध्यान रखती है एक्सरसाइज पे, तो शायद ये स्टेज नहीं आता कि मेरा ट्रकी इतना बीमार होता। एज ए थर्ड क्वेश्चन, आप देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, डू यू थिंक दिस इज रियल लाइफ एपिसोड और मोर फिक्शन, और इज इट ए मिक्सचर ऑफ बोथ, क्या आपको लगता है कि ये एक वास्तविक जीवन एपिसोड है या केवल कल्पना है, या ये दोनों का मिश्रण है, लगता है आपको? तो इसका जवाब आप खुद देखिए, और मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको बताता हूँ व्हाई इज मिसेस पेम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रकी, ट्रकी के बारे में पेम्फ्रे क्यों फिक्रमंद थी, उनको क्यों उसकी इतनी चिंता थी। मिसेस पेम्फ्रे वॉज वरीड अबाउट ट्रकी एज ट्रकी वॉज नॉट ईटिंग एनी थिंग, उसको पेम्फ्रे को इसलिए फिक्र ज़्यादा थी क्योंकि ट्रकी ज़्यादा खाता पीता नहीं था, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि जो उसकी फेवरेट डिशेज जो थी जैसे चॉकलेट थी और कॉल्ट था वगैरह वगैरह जो वो नहीं खाता था, तो उनको इसकी फिक्र थी क्यों नहीं खाता है। ट्रिकी वॉज वॉमिटिंग, और वो हर वक्त वॉमिटिंग की पोजिशन में रहता है, जैसे वॉमिटिंग कर रहा है। एंड लाइट डाउन ऑन द रग, और वो लेट जाता था, बैठ जाता ऑन द रग यानी ज़मीन के ऊपर वो बैठ जाता था। पेंटिंग, ही डिडंट इवन वॉन्ट टू गो आउट फॉर वॉक और एनीथिंग, यहाँ तक कि वो बाहर घूमने फिरने के लिए भी नहीं जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन, वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, वो उसकी मदद करने के लिए क्या करती हैं, कौन पेम्फ्रे, क्या वो इसमें समझदारी का साथ देती है, क्या वो समझदारी से उसके लिए कदम बढ़ाती हैं। आंसर देखिए, शी कॉल्ड द डॉक्टर टू सी हिम एज ही वॉज अनवेल, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और ऐसे में बुलाया कि मेरा ट्रकी अच्छा नहीं है। यस शी वॉज वाइज द टाइम एज अर्लियर, मुझे लगता है कि हाँ वो समझदारी का सबूत दे रही थी। शी वॉज एक्टिंग फुलिश बाय ओवर फीडिंग हिम, द डॉक्टर टोल्ड हर, उसको ओवर फीड करा रही थी। द डॉक्टर टोल्ड हर दैट ट्रकी नीडेड टू बी हॉस्पिटलाइज, आपने इतनी ओवर फीडिंग करा दी उसको कि उसको अब हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ये डॉक्टर ने सलाह दी। शी वॉज क्राइंग ओवर इट, ये सुनकर वो एक्साइटेड हो गई और रोने लगी, बट लेकिन लेटर एक्सेप्टेड, उन्होंने इस बात को मान भी लिया दैट शी नीडेड टू लिसन टू द डॉक्टर, के उनको डॉक्टर की बातों को सुनना चाहिए, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आई
referred to in this story? Who does I refer to in this story? इस कहानी में I का संदर्भ कौन है? कौन है I से related? I refer to the narrator who is a veterinary doctor, Mr. Harriet. I जो वर्ड है वो नरेटर के लिए है और नरेटर है वेटरनरी डॉक्टर और इन डॉक्टर साहब का नाम है मिस्टर हैरियट। क्वेश्चन नंबर 7, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिस्की मिस्ट्रेस? क्या नरेटर इतना अमीर है जैसे कि मिसिस पेम्फ्रे हैं, यानी ट्रिकी की मालिकन? अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द नरेटर इज नॉट एज रिच एज मिसिस पम्फ्रे बिकॉज मिस्टर हैरियट इज एबल टू प्रोवाइड ट्रिकी विद अ बॉक्स बेड वेयर एज इन मिसिस पम्फ्रेज हाउस ही हैज हिज ऑन बेड डिफरेंट बॉल्स टू ईट एंड सर्वेंट्स एट हिज हॉस्पिटल देन ट्रिकी मिस्ट्रेस यूज टू सेंड 2 dozen eggs। इतना अमीर नहीं है डॉक्टर साहब, इस स्टोरी के हिसाब से डॉक्टर साहब इतने अमीर नहीं हैं जितनी अमीर या जितनी धनी या रिच ट्रिकी की मालकन मिसेस पम्फ्रे हैं, राइट? ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया है, इसको भी आप देखिए। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई इज ही टेम्प्टेड, ये भी मैंने आपको बता दिया है ऊपर। और वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी टाइम फॉर विक्ट्री, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत मेहनत से मैंने आपको बताए हैं। अगला चैप्टर मैं आपको कल दूंगा, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, बिल्कुल आप केयरलेस मत होइए, एटलीस्ट इंग्लिश की आप टेंशन छोड़ दीजिए। शर्त यह है पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मेरे हर वीडियो को पढ़ने लिखने वाले बच्चों में शेयर करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं आप लाइक ज़रूर कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू।